मेरे संगीत की शुरुआत तो बचपन से ही हुई है। वैसे मेरा पूरा फैमिली है वो फोक सिंगिंग से ही बिलोंग करते हैं, हम लोग फोक से ही बिलोंग करते हैं। बिकॉज मेरे पापा है वो भी सिंगर है, वो फोक सिंगर है, और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा फोक सिंगिंग करते हैं, वो फोक हमारा गुजराती जो ट्रेडिशनल फोक सिंगिंग होता है, और ऐसे बोलते हैं हमारे घर में फोक सिंगिंग की खान है, तो मतलब उसमें से मेरा जन्म हुआ है। तो फोक तो मेरे ब्लड में मम्मी पापा से मिला है, लेकिन वैसे कहने जाए तो हर एक सिंगर को, फोक सिंगर हो या कोई भी सिंगर हो, उसका बेसिक बहुत पक्का होना चाहिए अगर आगे जाना है। तो मैंने बड़ौदा से म्यूज़िक कॉलेज भी किया है, मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखा हूँ, और जो रियाज़ करता है वो हमेशा राज करता है। और 2017 से मैं थाना का नवरात्रि कर रहा हूँ, और 2011 से मैं मुंबई का नवरात्रि कर रहा हूँ, तो मतलब 14 साल 15 साल तो वैसे हो गए। और इतने सालों में मैंने एक लास्ट ईयर ही मैं गुजरात था, और जब से नवरात्रि को समझाऊँ देखा है कि नवरात्रि, तब से मैंने अभी तक गुजरात का नवरात्रि नहीं देखा। मैं मुंबई में ही नवरात्रि करता हूँ, वैसे रहता हूँ मैं गुजरात में। दो हज़ार सत्रह से मैं रासरंग की नवरात्रि कर रहा हूँ, और रासरंग की नवरात्रि वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से है, क्योंकि रासरंग का रंग ऐसा है कि ये रंग हर किसी को चढ़ गया तो उसको दूसरे किसी रंग की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। और रासरंग का ऑरा ही कुछ अलग है यहाँ का कुछ, क्योंकि माहौल ऐसा बनता है यहाँ पे, सब ऑर्गेनाइजर्स और यहाँ की जो टीम है उन लोगों की व्यवस्था बहुत सुपर्ब है, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने का, क्योंकि एक कदरदान लोग भी बहुत है और पब्लिक भी बहुत मिलता है यहाँ पे, मतलब संगीत को जानने वाला पब्लिक, संगीत को पहचानने वाला। और काफ़ी 2017 के बाद मैंने यहाँ पे नवरात्रि की, तब से लेके अभी तक मैंने एक सॉन्ग गाता था कृष्णा तेरी मुरली, वो बहुत हार्ड सॉन्ग है, तो मतलब वो सॉन्ग यहाँ पे ट्रेंडिंग हो चुका है 2018 से। तो मतलब ये समझने के बाद इतना तो समझ में आता है कि पब्लिक यहाँ पे बहुत ही बारीक म्यूज़िक को जानती है, पहचानती है, बहुत ही अच्छे से, मतलब अच्छा वाला म्यूज़िक सुनते हैं। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा, हो कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा, धरती चंद सितारे नच दे सारे भगत प्यारे नच दे, राधा नची मीरा नची सारा आलम तकदा, कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस काफ़ी सालों से मुझे हनीफ असलम के साथ मतलब काम करने की इच्छा थी, क्योंकि ये बैंड ढोल किंग जिसको बोलते हैं बॉलीवुड के हैं, और काफ़ी सालों से मेरी खुद की एक इच्छा थी कि हनीफ असलम के साथ मैं गाऊं और वो लोग बजाएं। वैसे हम लोगों ने शोज़ तो बहुत किए हैं, लेकिन नवरात्रि और हर एक अच्छे सिंगर का अच्छा सपना ऐसा होता है कि वो अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट ढोली के साथ नवरात्रि करे बजाए। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि हनीफ असलम हमारे साथ है और उन लोगों के साथ मैं गा रहा हूँ, वही बड़ी, क्योंकि वो लोग बहुत समझदार हैं, उन लोगों को ऐसा चाहिए गाने वाला। और हनीफ भाई खुद मुझे बोले कि हमको आप चाहिए थे, मैंने बोला मुझे आप चाहिए थे। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे नवरात्रि कर रहा था, तब मॉडेला कंपाउंड, हम लोग मॉडेला कंपाउंड में छोटा सा ग्राउंड था, छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे पब्लिक आती थी, लेकिन वो पब्लिक को छोटा पड़ता था, क्योंकि पब्लिक ही इतना आता था तो पब्लिक को छोटा पड़ता था। लेकिन इस बार यहाँ पे ऑक्टर ग्राउंड में है, पूरा माहौल अलग है, पूरा एकदम जायंट स्टेज है, बहुत बड़ा स्टेज है और बहुत बड़ा ग्राउंड है, पब्लिक बहुत आराम से खेल रही है, बहुत आराम से एंजॉय कर रही है, और हम लोग एंजॉय करवा रहे हैं बस, और पब्लिक की एनर्जी से हमको कुछ करने की एनर्जी मिलती है। देखिए गुजरात जो है वो हमारा फोक है, और यहाँ पे भी हम फोक ही गाते हैं, तो गुजरात में और यहाँ पे हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो फैंस है, वो तो हमारे लिए भगवान ही है। वैसे फैंस कोई भी हो, मुंबई का हो या यहाँ के हो, लेकिन फैंस हमारे जो चाहने वाला जो एक वर्ग है,
वो हम उनको हम प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं। लेकिन डिफरेंस में बोले तो वहाँ पे गुजरात में ऐसा है कि प्योर फोक सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि यहाँ पे थोड़ा क्लासिकल टाइप का है। और कभी कभी आप सुनते होंगे कि हम लोग मराठी गीत भी गाते हैं, कभी हिंदी गीत भी गाते हैं, मतलब सब यहाँ पे माहौल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक रंग है, क्योंकि यहाँ पे रास रंग है। अजय जी और जीतू भाई बहुत सालों से मुझे जानते हैं, जब से मैं मुंबई का नवरात्रि कर रहा हूँ, जब से मैंने घाटकोपर नवरात्रि शुरू की थी, तब से मैं जीतू भाई के साथ एक फैमिली रिलेशन है। और हर एक बात में जीतू भाई काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें भी चीज़ों में भी काफ़ी हेल्पफुल रहे मुझे। और अजय भाई की बात करें तो अजय भाई तो मतलब स्टेज पे आते हैं तो उनका एक और ही अलग होता है, वो आते हाथ में माइक पकड़ते तो हमको भी एक जुनून आ जाता है। तो मतलब डिजर्व करते हैं वो लोग, बहुत सारा प्यार मिलता है उन लोगों के तरफ से, बस थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए। जो नहीं आएंगे वो तो जी भर के पछताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल बन रहा है, यहाँ पे जो सजावट हो रही है, यहाँ पे जो एक गरबा का जो प्योरिटी मिलती है लोगों को, जो सिंगर्स मेरे साथ फीमेल सिंगर है वो इतनी सुरीली है, परफॉर्मर है, फिर हनीफ असलम है, साउंड इतना सुपर है, तो मतलब आना ही चाहिए। और जो नहीं आएंगे वो जी भर के पछताएंगे।